नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जहां एक तरफ नेपाल में भीषण वर्षा के वजह से बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जहां एक तरफ नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है जिसके वजह से कोसी बराज गंडक बराज खोल दिए गए हैं और अब बिहार की जितनी भी तमाम नदियाँ हैं वो उफान पर है जिसके वजह से बिहार में बाढ़ ही बाढ़ हो चुका है। अब ऐसे में जहाँ एक तरफ तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता बाढ़ वाले जगह पर पहुँच रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचते हैं, तो आप देखिए एक तरफ बिहार सरकार ने भी बिहार पीड़ितों की मदद करने के लिए अलग अलग तरह के कदम उठा रहा है। अब बताएं तो सीएम नीतीश कुमार आज सुबह सुबह दरभंगा निकल जाते हैं, जहां दरभंगा जा करके बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं और डायरेक्टली राशि के जरिए, रुपए के जरिए पैसे भेज करके जो है नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। और इतना ही नहीं, राहत बचाव का कार्य कैसा हो रहा है, राहत बचाव सामग्री जो है वो बाढ़ पीड़ितों तक पहुंच रही है या नहीं, इस चीज़ का भी जायजा नीतीश कुमार ने लिया। और देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार चेक काट करके बाढ़ पीड़ितों को दे रहे हैं और ये राशि सीधे बाढ़ पीड़ितों के खाते तक पहुंचने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ पीड़ित के बाढ़ का हालात का जायजा लेने दरभंगा पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा से पहले सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को 7,000 अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि ये राशि सीधे पीड़ितों के खाते में जाएंगी। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने इसका पुष्टि किया है। पटना से लगभग 48,000 बाढ़ पीड़ितों के खाते में राशि जाएगी। सीएम नीतीश कुमार लहेरिया सराय स्थित इंडोर स्टेडियम दरभंगा में फूड पैकिंग केंद्र का भी निरीक्षण किया। फूड पैकिंग केंद्र के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो देखिए नीतीश कुमार ने हवाई मार्ग के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए वो उड़ते हैं और उड़कर जा करके दरभंगा पहुँचते हैं, जहाँ हवाई सर्वेक्षण नीतीश कुमार ने किया। इतना ही नहीं, बाढ़ पीड़ितों को राहत बचाव सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं, इसका भी जायजा नीतीश कुमार ने किया। और ये ऐलान किया गया है कि दुर्गा पूजा से पहले नीतीश कुमार जो है वो यानी 9 अक्टूबर से पहले तमाम जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके खाते में पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। और इसके लिए आज खुद नीतीश कुमार ने चेक भी काटा है और चेक काट के देखिए किस तरीके से तमाम बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे और साथ ही साथ तमाम जो है विभाग के, जल संसाधन विभाग के तमाम अधिकारी और पदाधिकारी भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे। तो जहाँ एक तरफ पूरा बिहार बाढ़ ग्रसित हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार द्वारा भी बाढ़ पीड़ितों को मदद करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार खुद सर्वेक्षण कर रहे हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करने के लिए निकले हुए थे और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, दिखाते हैं आपको।
जो सोचता है वो करता है।